असलम गाइस वेलकम बैक टू चैनल से कुकिंग तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे खैरियत से होंगे और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे तो आज जो बनाने वाले हैं चिकन फ्राई जो आप कोई भी पार्टी में चिकन स्नैक की तरह सर्व कर सकते हो या फिर ऐसे ही ट्राई कर सकते हो नॉर्मली और उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक पहले पहुंचे तो चलिए बनाते हैं तो पहले हमने ले लिया है चिकन ए, मैंने बोनलेस चिकन लिया है सिक्स हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन लिया है हमने अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले सारे मसाले पहले हम ऐड करेंगे वन टीस्पून लाल मिर्च यानी कि रेड चिली पाउडर वन टीस्पून हल्दी हाफ टी स्पून हल्दी यानी कि टर्मरिक वन टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और सॉल्ट पर टेस्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे और मसाले रेड चिली फ्लेक पाउडर वो हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून चाट मसाला हाफ टी स्पून जीरा पाउडर वन टी स्पून धनिया पाउडर और बिल्कुल हाफ टी स्पून से भी कम यानी कि क्वार्टर टी स्पून रेड फूड कलर और वन टी स्पून गर्म मसाला पाउडर सारे मसालों को ऐड कर देंगे अच्छी तरह से अब हम इसमें ऐड करेंगे दही यानी कि योगर्ट वन टेबल स्पून और ऐड करेंगे एक लेमन का जूस यानी कि नींबू का जूस और इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल छोटा सा क्वार्टर टी स्पून सोडा अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा वन टेबल स्पून चावल का आटा ऐड आट करेंगे ज्यादा ऐड नहीं करेंगे राइस फ्लावर हम अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा यानी कि ऑल परपस फ्लावर हमने इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी डबल रखनी है चावल के आटे से यानी कि राइस फ्लावर से सारे मसाले सारे ए, आम, हमने आटा सब ऐड आट कर दिया है अच्छी तरह से अब एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा जो मसाला और मैदा है सारा अच्छी तरह से चिकन पर अच्छी तरह से कोट हो जाए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक अंडा एक अंडा ऐड करेंगे यानी कि एक एग ऐड करेंगे अच्छी तरह से इसे भी अच्छे तरह से फेंट लेंगे और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक और बार क्योंकि हमने एग ऐड किया है अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये लीजिए आपका मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है आप इसे रेस्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली फ्राई भी कर सकते हो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं पहले हमने अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लिया है यानी कि हीट कर लिया है अब हम इसमें एक एक कर चिकन डालेंगे और अच्छी तरह से इसे डीप फ्राई करेंगे हमने ऑयल गर्म होने के बाद जो फ्लेम है हमारे स्टोव की उसे बिल्कुल स्लो कर देनी है मतलब सिम कर देनी है ताकि हमारा जो चिकन है अच्छी तरह से कुक हो सके क्योंकि अगर हम फ्लेम तेज रखेंगे तो ये अंदर से कुक नहीं होगा बाहर से कुक हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा हमारा चिकन इसलिए हम इसे सिम पर रख कर कुक करेंगे और जब ये साइड से कुक हो जाएगा तो हम चिकन की साइड पलट देंगे यानी कि इसे पलट देंगे और ये देख ही सकते हो आप मेरा चिकन कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है अब बाहर से क्रिस्पी हो चुका है अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट और अच्छी तरह से कुक हो चुका है मेरा चिकन अब अच्छी तरह से हम इसे छान लेंगे ऑयल से और ये लीजिए ये चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं चिकन फ्राई को और ये रेडी है सर्व करने के लिए आप इसे सैलड के साथ कोई मेयोनीज़ के साथ या कोई डिप के साथ या फिर नॉर्मली इसी कोई स्नैक की तरह इसे सर्व कर सकते हो ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है कितना टेस्टी लग रहा है हमारा चिकन फ्राई मैं आपको एक पीस उठाकर दिखाती हूँ कि ये कितना मज़ेदार और कितना टेस्टी बना अंदर से भी अच्छी तरह से चिकन हमारा कुक हो चुका है ये देखिए अच्छी तरह से अंदर से मॉइस्ट एक अच्छी तरह से कुक हो चुका है तो आप लाजमी तौर पर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा चिकन फ्राई और आपको ये मेरा वीडियो आज का पसंद आया तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगेगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ और आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो और आपको सारे रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो टिल देन मीट मीट्यू द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़